ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी आत्माओं को स्वयं भगवान सम्मान दे रहे हैं। सोचो, जिन्हें भगवान सम्मान देते हैं वो भला मनुष्यों से मान की कामना क्यों करें। बाबा ब्रह्मा ने ये सभी कामनाएं समाप्त कर दी थी। वो ऐसी रॉयल्टी में स्थित हो गए थे जिन्हें किसी से कुछ भी चाहिए था नहीं। हम भी अपने संस्कारों को बहुत रॉयल बनाएं और इसका आधार है स्वमान में स्थित रहना। अपने स्वमान को हमें जगाना है, हीन भावनाओं को समाप्त कर देना है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, बाबा के नैनों के नूर हैं, विजयी रतन हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। हम बहुत बड़े हैं, हम छोटे नहीं हैं जो किसी की ओर भी प्यासी नजरों से देखें। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस वही करते हैं जो स्वमानधारी नहीं हैं। दूसरों के आगे पीछे वही घूमते हैं जो स्वमानधारी नहीं हैं। दूसरों के चरण वही छूते रहते हैं दास भाव से कि इनसे हमें कुछ मिल जाए, जिनके पास अपना स्वमान नहीं होता। बाबा को देखें, वो बच्चों को इतना स्वमान देते थे, कहते थे तुम बच्चे मेरे चरण नहीं छू सकते, मैं तो तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। क्लास से जब बाहर आते थे बाबा तो पीछे को हट कर आते थे, किसी को भी बच्चों को पीठ नहीं देते थे। आज तो बच्चे न जाने क्या क्या दिखा देते हैं दूसरों को। बाबा कितना स्वमान देते थे हम सबको, हम भी स्वयं को स्वमान दें और महान बने। स्वमानधारी आत्माओं के आगे संसार झुकेगा, उनकी रॉयल्टी को संसार कॉपी करेगा। स्वमान से मनुष्य के विचार बहुत महान हो जाते हैं और विचार किसी मनुष्य की बहुत बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर किसी के संकल्प ही महान न हो, चाहे वो कितने भी पद ऊंचे पद पर बैठा हो, वास्तव में वो महान नहीं माना जाएगा। अगर विचार महान नहीं है तो चेहरे पर भी महानता के चिन्ह दिखाई नहीं देते। इसलिए विचारों को महान बनाएं तो हम महान बन जाएंगे और हमारी महानता की छाप दूसरों पर बहुत गहरी पड़ेगी। तो हमें किसी भी कारण से अपने स्वमान को नहीं छोड़ना है। अच्छे अच्छे शक्तिशाली राजा हुए, अपने स्वाभिमान से कभी नीचे नहीं आते थे, चाहे उनको मृत्यु का वरण करना पड़े, चाहे उनको अपना राज छोड़ना पड़े, परंतु अपने स्वाभिमान को कभी नीचा नहीं होने देते थे। हम भी अपने स्वमान से कभी नीचे न उतरे। स्वमान की सीट ही हमारी शोभा है। तो आज हम सारा दिन बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं इस विश्व का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ, कल्प वृक्ष की जड़े हूँ, मेरा संपूर्ण प्रभाव, संकल्पों का प्रभाव, स्थिति का प्रभाव, मेरे श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का प्रभाव, मेरी प्योरिटी का प्रभाव सारे कल्प वृक्ष में फैलता है। तो अपने को महसूस करेंगे, मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में स्थित हूँ। चाहे नीचे बैठा देखें अपने को, चाहे उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर बैठा देखें और संकल्प करें, मुझे सारे कल्प वृक्ष को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने हैं। हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं और बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं। बहुत गुड फीलिंग करेंगे और ये बाबा के वाइब्रेशंस हम में समाकर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। तो आओ हम पूर्वज बनकर कल्प वृक्ष की सभी आत्माओं की पालना करें। हम उनको अच्छी सकाश दें ताकि सभी अपने मनुष्य जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर सकें।
सभी अपने अंदर छुपी हुई दबी हुई प्योरिटी को पहचान सकें और इस माया के जंजाल से स्वयं को मुक्त कर सकें। हमारी सकास ही सभी में जागृति लाएगी, सभी को अपने देव स्वरूप की स्मृति दिलाएगी, सभी को बाबा से जोड़ेगी और उनको वर्षे के अधिकारी बनाएगी। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।